नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में उपस्थित हैं। आज हम राजयोग को कैसे किया जाता है तथा राजयोग करने के लाभ क्या हैं, इस विषय को देखते हुए राजयोग का आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। तो राजयोग है क्या? राजयोग प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद और महर्षि पतंजलि की देन है, लेकिन आज के समय में ब्रह्म कुमारी जैसे कई संस्थान ऐसे हैं जो राजयोग को प्रचलित काफी कर रहे हैं, लेकिन मूलतः जो राजयोग है वो महर्षि पतंजलि का है। राजयोग है क्या, कैसे किया जाए? तो सर्वप्रथम प्रातः काल या सायंकाल आप फ्रेश होकर के, तैयार होकर के किसी एकांत स्थान पर बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम के बाद अपने आप को शुद्ध करते हुए किसी एक आसन में, जो आसन आपको सुलभ हो, उस आसन में बैठ करके प्राणायाम थोड़ा देर करने के उपरांत अपने आंखों को खोल करके या तो नाक के अग्रभाग पर, या फिर अगर आप आंख बंद करते हो तो दोनों भवों के मध्य में कुछ देर तक बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, आपको केवल वहां पर देखना है, ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपका मन कहीं भ्रमित हो रहा है, आपका मन चंचल हो रहा है, तो आप अपना ध्यान श्वास पर ले जाइए, किसी स्थान पर नहीं। इस अभ्यास को आप करिए। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद में धीरे धीरे यह जो क्रिया है आपकी प्रगाढ़ होने लगेगी, मजबूत होने लगेगी, और धीरे धीरे आपको बिना कहे, बिना अभ्यास किए हुए, अगर आप आंख बंद करते हो दोनों भौहों के मध्य में, अगर आंख खोल कर रखते हो तो आपके नाक का अग्रभाग दिखाई देने लगेगा। इस क्रिया को धैर्यता पूर्वक कुछ दिन करने के बाद आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। सहज ही, कुछ करना नहीं है, केवल योग करना है। योग करने से होता है। और अगर आप जिस दिन एक दो सेकंड भी ध्यान में प्रवेश कर गए तो समझ जाइए कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली। इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा अभ्यास से कि आपका ध्यान कई मिनट, 10-15 मिनट लग जाएगा, और फिर उसी कालखंड में एक ऐसा भी समय आएगा जिस समय आपको इस शरीर का, इस दुनिया का, देश का, इस ब्रह्मांड का कोई ख्याल ही नहीं रहेगा, भान नहीं रहेगा, आप पता नहीं कहां खो जाओगे। जब इस अवस्था में जाओगे तो यही राजयोग। इसको करने के बारे में बताते हैं, इसका लाभ बताते हैं, कई डॉक्टर लोग भी बताते हैं इसको करने के बाद समस्त बीमारियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान की तो शक्ति किसी से छुपी नहीं है, तो जग जाहिर है। तो यह ध्यान की एक सहज अवस्था है, उच्च अवस्था है। जो इसको करता है वो व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है, वह परमात्मा स्वरूप बन जाता है। जो इस जीवन का मकसद है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, वो सहज मिल जाता है। इस सहज क्रिया को आप लोग अभ्यास कीजिए और इसका लाभ लीजिए। हमको विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आया है, यह चर्चा आनंददायी थी, आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।